यार रास्ते में दीदी ने इतना थकाया मार्केट में, अब एक के बाद एक घुसे जा रही है, घुसे जा रही है भाई, हम लोग परेशान हो गए थे। लाइफ इज ब्यूटिफुल लिव अ ड्रीम मोमेंट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ अनकट विद माधुरी में। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं नहा धो के पूजा वूजा करके फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पर मैं सुबह ही उठ गई थी कि और सुबह उठ के मैंने प्रैक्टिकल वगैरह लिखे हैं, रिटर्न एग्जाम तो खत्म हो चुका, अभी प्रैक्टिकल बाकी है और मैक्रो टीचिंग का बाकी है, तो स्किल्स वगैरह लिखने पड़ रहे हैं, इंटरनल कॉपी भी तैयार करनी पड़ रही है। तो आज मेरे पूरे दिन का छुट्टी है, फिर जाएंगे किचन में और देखेंगे कि क्या खाना बना सकते हैं, क्योंकि आज ऑफ डे है, मुझे कुकिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि फ्रिज में क्या रखा है, तो वही पका लेंगे। तो चलो, तो अभी प्रॉन्स है घर पे, तो प्रॉन्स बनाएंगे, ये फ्राइड है, मम्मा ने फ्राई करके रखा, तो ये मसाले वगैरह और इसमें करेंगे अभी। तो मैंने सोचा कि प्रॉन मलाई करी बनाते हैं, पर अभी मलाई के लिए तो वो है नहीं, क्रीम वगैरह है नहीं, नारियल भी नहीं है, तो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। क्लॉव्स वगैरह और ये रहा प्याज लहसुन का पेस्ट, काजू पेस्ट। A few moments later. देखने में सही लग रहा है, अभी देखते हैं खाके ये कैसा होगा, थोड़ा और पक जाइए उसके बाद इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मेरा चावल भी तैयार है। वैसे खाना तो बहुत कुछ बना है, ये साग है, ये कल का है ये वाला फिश, और ये मटन मम्मा के लिए। तो मेरा सिर्फ मन कर रहा है कि मैं सिर्फ यही खाऊँ, पर अभी देखते, मम्मा कह रही कि थोड़ा सा साग खा ले। तो जैसा कि आपने देखा, खाने में तो बहुत कुछ बना था, पर मैंने लिया सिर्फ ये प्रॉन्स और ये साग थोड़ा सा बस। तो यार फाइनली खाना कंप्लीट हो चुका है और अभी प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे, तो मोबाइल को पहले सेट कर लेते हैं और उसके बाद लिखना चालू करते हैं। अबे यार, तो मैं भूल ही गई थी कि मेरे सारे नोट्स मोबाइल पे हैं, तो मोबाइल पे देख देख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। तो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद मिलते हैं फिर। तो यार अभी 5 बज रहे हैं और मैं 2 बजे से लिखे जा रही हूँ कंटिन्यू, और मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो बस अभी यहीं पे रुकेंगे और 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 घंटा रेस्ट कर लेंगे, फिर 7 बजे से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यार, सोचे थे कि अभी रेस्ट करेंगे, आधा घंटा भी नहीं हुआ और एक दीदी का कॉल आया कि अभी कल रक्षाबंधन के लिए अभी मार्केट पे जाना है। यार नसीब में ना सुख लिखा ही नहीं है मेरा, पता है ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतनी गर्मी में फिर से तैयार होके निकलना पड़ेगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं यार गर्मी। तो क्या करे, चलो तैयार हो लेते हैं और क्या। दीदी का अलग ही शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे। तो ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। भेलपुरी कहते हैं और खाके देखते हैं कैसा है। 8 3 4 8 9 0 8 4 जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं मेले में गई थी, मार्केट वगैरह करके आई हूँ। आते ही मालूम पड़ा कि मेरे बड़े भैया का बर्थडे है, तो अभी बर्थडे पे जाएंगे मैं, भैया और मम्मा, और ये मेरे भैया का दुकान। तो चलो चलते हैं और क्या, एंजॉय करते हैं बर्थडे पार्टी। चलो आशो, ये एक्चुअली हम लोग का रिचुअल है, पहले आशीर्वाद किया जाता है फिर मीठा चावल खिलाया जाता है।
का खाना क्या मन रे हाँ, ये फ्राइड राइस है और पनीर। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करके और मार्केटिंग वगैरह करके। तो अभी थोड़ा सा काम बचा है वो करके फिर सो जाएंगे और कुछ है नहीं दिखाने को। फ्रेश व्रेश हो लेंगे बस थोड़ा सा, तो बस यही है और आगे कुछ है नहीं दिखाने को। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करेंगे। और ये वाला ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।